हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारजूमो रानीवाड़ा ने रक्तदान कर मनाया राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, चूरू विधायक एवं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रानीवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रानीवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 50 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रक्तदान शिविर में रक्त एकत्रित करने के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय जालोर की टीम रानीवाड़ा CHC पहुंची थी, जिसमें चिकित्सा अधिकारी पैथोलॉजी डॉक्टर जगदीश विश्रोही, मेल नर्स द्वितीय चंपालाल सांखला, लैब टेक्नीशियन चिरंजीलाल व्यास ने सेवाएं दी। कार्यक्रम के संयोजक भाजयुमो जिला महामंत्री प्रकाश चांगू कोटरा ने बताया कि भाजयुमो जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिसोदिया के निर्देश अनुसार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजयुमो कार्यकर्ताओं सहित रानीवाड़ा मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान किया। जांगू ने बताया कि युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक नारायण सिंह देवल व जिला प्रमुख राजेश गोयल को भी युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करने हेतु बुलाया था, जिस पर विधायक देवल एवं जिला प्रमुख गोयल रक्तदान शिविर में पहुँचे और रक्तदाताओं को प्रेरित किया। विधायक देवल एवं जिला प्रमुख गोयल ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। देवल ने कहा कि रक्तदान महादान होता है, जो किसी का जीवन बचाने के लिए काम आता है। जिला प्रमुख गोयल ने युवाओं से समय समय पर ऐसे आयोजन करने और रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर रानीवाड़ा बड़गांव मंडल अध्यक्ष रिंडमल सिंह डाबी, बाबूलाल पुरोहित, रानीवाड़ा मंडल महामंत्री गोविंद रावल, SHA मोर्चा जिला उपाध्यक्ष तगाराम जीनगर, भाजयुमो जिला मंत्री विकास सोलंकी, लक्ष्मण सिंह देवड़ा, भाजयुमो बड़गांव मंडल अध्यक्ष गणपतलाल थारवेचा, कमलेश सोनी, दीपेंद्र सिंह राणी, खुशाल सिंह, नरेश जोशी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।